नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अमर छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शुरुआत बुलेटिन की कवर्धा से, बड़ी खबर से, मूसलाधार बारिश से हालात खराब हो रहे हैं। शहर की निचली बस्तियों में पानी भर चुका है, नाले का पानी सड़कों पर आ चुका है, नालियों पर अतिक्रमण कर लोगों ने घर बना लिए हैं। अतिक्रमण के चलते इलाके में जल जमाव की स्थिति पैदा हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कवर्धा की तस्वीरें हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। शहर की निचली बस्तियों में पानी भर चुका है, पूरी तरह जलभराव की स्थिति है, नाले का पानी सड़कों तक आ चुका है। बता दें आपको कि नालियों पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उस पर घर बनाए हुए हैं। अतिक्रमण के चलते इलाके में जल जमाव की स्थिति पैदा हुई है और लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। संपर्क लोगों का टूट चुका है, शहरी इलाकों से, गांवों से संपर्क टूट चुका है, बाहर निकल भी नहीं पा रहे हैं, इतनी ज्यादा परेशानी हो चुकी है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। बाढ़ का पानी गांव में घुस चुका है, धनेली नाला सेजम बाहर में बाढ़ का पानी घुस चुका है। दोनों गांवों में 70 से ज्यादा लोग फंस चुके हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंच चुकी है, एसडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू करने के लिए पहुंच चुकी है। गांव में बाढ़ का पानी भर चुका है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से लबालब पानी सड़कों पर नजर आ रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, फंस चुके हैं कई सारे लोग। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, लोगों को वहां से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों के घरों में पानी भर चुका है, कमर से ऊपर तक का पानी भर चुका है और लोग परेशान तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ जो घर में सामान वगैरह हुआ है उसकी भी बर्बादी साफ तौर से हो रही है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि लोग उसमें तैर करके बाहर निकल रहे हैं। बिलासपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर लगातार बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, शहर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है, जलभराव से कई इलाके टापू बन चुके हैं, जान जोखिम में डालकर लोग सड़क पार कर रहे हैं। बिलासपुर की तस्वीरें हैं, जलभराव से कई इलाके टापू बन चुके हैं, हर जगह जलभराव की स्थिति है, जान जोखिम में डालकर लोग सड़क पार करने को मजबूर हैं, परेशान हो रहे हैं। लगातार हालात जो हैं बिगड़ते जा रहे हैं बारिश की वजह से। ये स्थिति आप देख रहे हैं कि हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है, कहीं पर लोग तैर कर जा रहे हैं तो कहीं पैदल पैदल गाड़ियों को लेकर, साइकिलों को लेकर जा रहे हैं। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में कैसे हालात बने हुए हैं बारिश की वजह से, अलग अलग जिलों में कैसे हालात बने हुए हैं, कैसी जल भराव की स्थिति है और लोग परेशान हो रहे हैं, रास्ते बाधित हो चुके हैं। और आखिर छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति बनी हुई है, हमारे साथ सहयोगी आकाश शुक्ला जुड़ गए हैं, वो बताएंगे आखिर क्या छत्तीसगढ़ में स्थिति है। आकाश, आखिर कैसी स्थिति बनी हुई है, बारिश की अभी भी चल रही है और आखिर प्रशासन की कितनी सक्रियता दिख रही है, लोग कितना सजग हैं, बताइए। लगा रहे जी, शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, कोई परेशानी की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हम सहयोगी से। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से बारिश की वजह से परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं, गांव में पानी भर चुका है और लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं, घर से नहीं निकल पा रहे हैं, घरों में तक पानी भर चुका है, कहीं पर लोग तैर कर बाहर निकल रहे हैं, कहीं पैदल, तो जलभराव की स्थिति की वजह से यातायात तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही साथ लोग घर में भी नहीं रह पा रहे, घर में भी पानी भर चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से हालात बिगड़ चुके हैं कि लोगों के घरों के अंदर तक पानी भर चुका है, सामान खराब हो चुका है, जो अंदर घर के अंदर सामान रखा हुआ है वो भी खराब हो चुका है सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से। स्थिति बेहद ही खराब है,
मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ छत्तीसगढ़ में और हाहाकार कहीं ना कहीं ये मॉनसून मचा रहा है क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से स्थिति खराब होती जा रही है। एक बार फिर से हमारे साथ सहयोगी आकाश शुक्ला जुड़ गए हैं रायपुर से, उनसे जानेंगे कि आखिर कैसी स्थिति बनी हुई है। आकाश, क्या अभी भी बारिश हो रही है? कैसी स्थिति है? प्रशासन कितना सक्रिय है और कितने लोग सजग हैं? कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? आकाश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो शायद किसी तकनीकी खामियों की वजह से हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, पर से जुड़ने का प्रयास हम लगातार करेंगे। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पूरा छत्तीसगढ़ तरबतर हो चुका है पानी की वजह से। कई ज़िलों में बहुत ज़्यादा जलभराव की स्थिति हो चुकी है। लोग परेशान हो रहे हैं, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रायपुर बिलासपुर की सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं, घरों में पानी भर चुका है। आज भी बादल बरसने की पूरी संभावना है। तो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में मॉनसून सक्रिय है। प्रदेश के कई जिलों में कल शाम से लेकर ही बारिश लगातार हो रही है जिससे बाढ़ के हालात भी बन गए हैं। लगातार तीन दिन से हो रही बरसात के बाद जो है मुख्य मार्ग हैं, रिहायशी इलाके हैं, पानी भर चुका है, सड़कें लबालब हो चुकी हैं। और एक बार फिर हमारे साथ सहयोगी आकाश शुक्ला जुड़ गए हैं। आकाश, छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है, आखिर अभी क्या स्थिति बनी हुई है? प्रशासन की कितनी सक्रियता है? लोग कितने सजग हैं? क्या स्थिति बनी हुई है? कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, बताइए। जी देखिए, कुछ दिनों से काफ़ी उमस की स्थिति थी, इसके बाद कल शाम को बारिश हुई जिसमें कई इलाके भर गए थे, जलमग्न हो गया था। इसके बाद रात भर बारिश हुई है, रायपुर के कई इलाके लगभग भर चुके हैं, बाढ़ का पानी घुस गया है। धनेली सेज बाहर रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी एरिया है, विधायक विश्राम गृह है, शंकर नगर एरिया है, और भी कई इलाके हैं जहां पे नाले का पानी सड़कों पे आ गया है और एक तरीके से भराव की स्थिति हो गई। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना इससे करना पड़ रहा है। निगम कई तरीके से दावे करता है सफाई के, लेकिन किसी तरीके से ये व्यवस्था सीधे तौर पर एक तरीके से पोल खुलती नज़र आ रही है। बारिश के बाद लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धनेली और सेज बहार में कई घर डूबने की स्थिति में है, रेस्क्यू टीम वहां गई है, 60 से 70 लोग के फंसे होने की बात सामने आ रही है, प्रशासन की टीम लगातार जुटी हुई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आपके पास फिर लौटेंगे, अगली खबर पर जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, जशपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। जिला मुख्यालय से परिवर्तन यात्रा शुरू होगी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रथ को रवाना करेंगे। मां खुड़िया रानी बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी, उसके बाद रथ को रवाना किया जाएगा। रथ को रवाना करने के दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तो रथ यात्रा को रवाना किया जाएगा, जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं इस खास मौके पर। रथ को रवाना किया जाएगा, पहले वो पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद रथ को रवाना करेंगे। जिला मुख्यालय से परिवर्तन यात्रा शुरू होगी जिसमें दिग्गज नेता शामिल होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। आज श्री जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनका जशपुर आगमन है। परिवर्तन यात्रा जो नारायण चंदेल जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उसको हरी झंडी दिखाएंगे। आज हम लोग सब गणेश राम जी, प्रदीप और नारायण चंदेल जी, रामविचार नेताम जी, हम लोग सभी खुड़िया रानी जाकर जो सबों के आराध्य हैं, कौरवाओं के आराध्य हैं, देवी उनकी पूजा अर्चना करते हुए हम लोग जशपुर जाएंगे और फिर जशपुर में बालाजी मंदिर में नड्डा जी के साथ पूजा करते हुए बालाजी मंदिर से नड्डा जी रथ को प्रस्थान करेंगे। माता खुड़िया रानी का आराधना करके, पूजा अर्चना करके हमारी परिवर्तन यात्रा प्रारंभ होगी जशपुर से। और इस परिवर्तन यात्रा को शुभारंभ करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जशपुर आ रहे हैं।
हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण वहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। परिवर्तन यात्रा का आशय ये है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, वो सरकार दिशाहीन हो गई है, वो शासन जो है वो कुशासन के रूप में तब्दील हो गई। तो एक खास मौका रहने वाला है, आज का परिवर्तन यात्रा शुरू होगी और रथ को रवाना किया जाएगा जेपी नड्डा द्वारा। जिला मुख्यालय से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी, खास ये यात्रा होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रथ को रवाना करेंगे, मां खुड़िया रानी बालाजी मंदिर में पूजा करके रथ को रवाना किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रथ को रवाना करेंगे। बता दें आपको, यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी, बेहद ये खास होने जा रहा है। जिला मुख्यालय से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जाएगी, उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूजा पाठ करेंगे, खुड़िया रानी, मां खुड़िया रानी बालाजी मंदिर में पूजा की जाएगी, उसके बाद रथ को रवाना किया जाएगा। रथ को रवाना करने के लिए बड़े दिग्गज उस समय मौजूद रहेंगे। तो आज रथ यात्रा निकाली जाएगी, खास ये यात्रा होगी। जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, हरी झंडी दिखाएंगे। तो दो संभागों की 39 विधानसभाओं के लिए दूसरी परिवर्तन यात्रा आज से शुरू होगी। जशपुर से विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा आज से जशपुर से शुरू होने जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। यात्रा 1261 किलोमीटर का सफर तय करके बिलासपुर पहुंचेगी। ये भी बता दें आपको कि रथ सरगुजा और बिलासपुर संभाग के 14 जिलों के 39 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। इससे पहले गुरुवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशभा ठाकरे में सांसद सुनील सोनी और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल, नरेश गुप्ता ने परिवर्तन यात्रा रथ की पूजा अर्चना की और जशपुर के लिए रवाना किया। और इस अवसर पर बड़े दिग्गज भाजपा के शामिल हुए। ये भी बता दें आपको कि अब तक 10 विधानसभाओं से पहली यात्रा गुजर चुकी है। दंतेवाड़ा से पहली परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी और 10 विधानसभाओं से गुजर चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए ममता हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत जशपुर से होने जा रही है, कितनी खास ये यात्रा रहेगी, किस समय शुरू होगी, कौन कौन शामिल होने वाला है, विस्तार से जानकारी? बिल्कुल, देखिए जशपुर का मौसम आप देख सकती हैं कि किस तरह से लगातार बारिश हो रही है। और इस बीच अगर हम शेड्यूल की बात करें तो 11:40 को जेपी नड्डा जशपुर हेलीपैड पहुंचेंगे और 11:55 में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचेंगे, 12:25 में बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे और वहां से फिर वो 1:10 पर सभा स्थल पर पहुंचेंगे और 1:10 से लेकर 3:10 तक सभा स्थल में रहेंगे, मीटिंग लेंगे, सभा लेंगे और सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद में वहां से रवाना होंगे। और इस बीच अगर हम बात करें तो परिवर्तन यात्रा का जो दूसरा है उसके रथ को वो हरी झंडी दिखाएंगे। पहले चरण का जो रथ है वो दंतेवाड़ा से रवाना हुआ था और इसमें अगर हम बात करें तो जशपुर में इसका जो संचालन है वो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल करेंगे। तो जशपुर में काफी उत्साह है इसे लेकर, हालांकि बारिश हो रही है और लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश जो है वो जरूर एक बाधा के रूप में देख सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के उत्साह में कहीं कमी जो है वो नजर नहीं आ रही है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में बीजेपी इस रथ के जरिए कोशिश परिवर्तन यात्रा के जरिए कोशिश करना चाहती है कि डोर टू डोर कैसे लोगों से संपर्क हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के पहुंचे। और उनका कहना है कि हम बताएंगे कि राज्य सरकार का फेलियर क्या क्या है और उसके साथ ही केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां बताएंगे और परिवर्तन करने के लिए वोटर्स जो है उनसे अपील करेंगे। तो ये दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा जो है वो जशपुर से शुरू होने वाली है और करीबन जो 39 विधानसभा है उनको कवर करेगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए।
रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। डेंगू क्लेम में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने 25 से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस सौंप दिया है। बिना जांच कर 77 लाख से अधिक के क्लेम का आरोप लगा है। स्वास्थ्य विभाग की जांच के बाद ये फर्जीवाड़ा सामने आया। आयुष्मान के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका इसमें जताई जा रही है। न्यूज 18 ने फर्जी क्लेम की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। और भी कई अस्पतालों पर कार्रवाई हो सकती है, तो हमने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। डेंगू क्लेम में बड़ा फर्जीवाड़ा जो है सामने आया है। कई और अस्पतालों पर भी कार्रवाई हो सकती है, गाज गिर सकती है। कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने 25 से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस थमा दिया है। बिना जांच कर 77 लाख से अधिक के क्लेम का आरोप भी लगाया जा रहा है। विभाग की जांच के बाद फर्जीवाड़ा सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, डेंगू मामले में फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, हमने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी फर्जीवाड़े की, और उसका साफ तौर से असर भी दिख रहा है, कार्रवाई भी हुई है। जी बिल्कुल, प्रदेश में जिस तरीके से डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे थे, फर्जीवाड़ा भी सीधे तौर पे सामने आया है। अस्पताल बिना किसी जांच के फर्जी डॉक्यूमेंट के माध्यम से बिना इलाइजा टेस्ट के क्लेम कर दिए 77 लाख से अधिक का क्लेम किया। इसके बाद जब स्वास्थ्य विभाग ने इसमें जांच बिठाया, टीम जिलेवार जांच किया, तो मामले का खुलासा हुआ है। रायपुर में 25 प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। ये लिस्ट काफी और बढ़ सकता है, अभी जांच का दायरा और बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि जिलेवार भी टीम गठित करके सभी जिलों को निर्देश दिए गए थे स्वास्थ्य विभाग द्वारा कि वो प्राइवेट अस्पतालों के जिन्होंने डेंगू का क्लेम किया था उनकी जांच कराई जाए। तो सभी अभी स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट सौंपेंगे और लगातार इस पे कार्रवाई अभी और भी हो सकती है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। दुर्ग से बड़ी खबर की अब बात करते हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ है आरोपी डॉक्टर। दफ्तर में काम करने वाली महिला ने यह आरोप लगाए हैं। पुलिस और सीएमएचओ से शिकायत की गई है। आरोपी डॉक्टर को पदभार से मुक्त कर दिया गया है। भिलाई में दूसरे दिन भी सीबीआई की कार्रवाई जारी रही। पुराना के रेलवे पीपी यार्ड में जांच चल रही है। मैकेनिकल विभाग के 4 दफ्तरों को सील किया गया। दस्तावेजों को खंगालने में फिलहाल सीबीआई की टीम जुटी हुई है। गुड्स ट्रेनों के मेंटेनेंस और भुगतान की शिकायत पर ये जांच हुई है। मैकेनिकल विभाग के 4 दफ्तरों को सील किया गया है। कार्रवाई अभी जारी है, जांच पड़ताल जारी है। भिलाई में दूसरे दिन भी सीबीआई की कार्रवाई जारी है। मनेंद्रगढ़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको आकर्षित करेगी, तो वहीं राहगीरों के लिए मुसीबत है। दरअसल झगरा खांड इलाके में सड़क के किनारे 5 से अधिक भालू गौवंश के साथ सड़क पर दिखे, तस्वीरों में देख सकते हैं। करीब आधा दर्जन भालू गौवंश के साथ विचरण कर रहे हैं। एक भालू पेड़ पर आराम फरमा रहा है। इलाके में लगातार भालू देखने से ग्रामीण और राहगीर दहशत में हैं। तो ग्रामीणों के इलाके में भालू पहुंच चुका है। सड़क पर दिखा भालुओं का झुंड और लोग इससे कहीं ना कहीं दहशत पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भालू पहुंच चुका है, सड़क पर घूम रहा है और लोग डर रहे हैं। इंजीनियर्स डे के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया को नमन किया। शाह ने विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और लिखा, विश्वेश्वरैया जी ने अपनी अद्वितीय इंजीनियरिंग प्रतिभा से हमारी सभ्यता को संचालित किया, संरचनाओं की एक विशाल श्रृंखला को डिजाइन और आकार दिया। उनका योगदान हमारी नई पीढ़ियों के मन में सपनों को प्रेरित करता है। इंजीनियर दिवस पर सभी टेक्नोक्रेट्स को बधाई। इंजीनियरों ने अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में योगदान देकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाल के दिनों में तकनीकी क्रांति को आकार देने में उनकी भूमिका ने
वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। और इसी के साथ ही हमर छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। यात्रा में विवाद